मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर एमपी की 6 स्तंभों से तुलना की जा रही है, जिसमें स्वास्थ्य और कल्याण पहला स्तंभ है। हमने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा का चिंतन किया था, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य हमने दिया है। भारत सरकार का दूसरा स्तंभ भौतिक और वित्तीय पूंजीगत अधोसंरचना है। हमारा एक प्रमुख स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना, जिसमें पूंजीगत बैंक की बात हुई है। आप देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मैं तुलना कर रहा था, इन 6 स्तंभों को अगर देखें, स्वास्थ्य और कल्याण पहला स्तंभ है, हमने आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने चिंतन किया था पर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट तैयार किया तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमने लिया, स्वास्थ्य और कल्याण में हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर समाहित है। दूसरा स्तंभ भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है भौतिक और वित्तीय पूंजीगत अधोसंरचना, हमारा एक प्रमुख स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना। जो पूंजीगत व्यय की बात हुई है 5.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार कर रही है उस पर अगर हम सोचे तो हमने भी भौतिक अधोसंरचना आर्थिक गतिविधियां और रोजगार की प्रमुख स्तंभ माना था तो ये भी एक है। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इसमें अगर आप देखेंगे तो समावेशी विकास में रोजगार अपने आप समाहित होता है, अर्थव्यवस्था और रोजगार हमने एक अपना स्तंभ रखा है इसमें कवर हो रहा है। नवप्रवर्तन अनुसंधान और विकास, इसको मैं मानता हूं शिक्षा और सुशासन के अंदर ये स्तंभ भी हमारा सम्मिलित हो जाता है। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, ये भी शिक्षा से संबंधित है, अर्थव्यवस्था रोजगार से संबंधित है और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये टोटली सुशासन है जो कई नए प्रयोग हम लोग सुशासन में कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कृषि में रेवेन्यू में अलग अलग जगह जो किए हैं, मोबाइल भी सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि जो भारत सरकार सोचती है वही हम सोचते हैं और कुल मिला के प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ पूरा देश खड़े हैं, हम खड़े हैं, लेकिन हम लोगों ने भी काफी कुछ उस दिशा में कोरोना काल में हम लोगों ने एक्सरसाइज करके बनाया था, लगभग उसी लाइन पे ये बजट है, हमारी प्रसन्नता की बात है। और इसलिए मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करना चाहते हैं उसके पर्याप्त अवसर हमको इस बजट में मिल